हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माय सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 10 एंड लेसन नेम इज अंडरस्टैंडिंग एचटीएमएल। क्लास, यह चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मैं इस चैप्टर को कई पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। और ये पार्ट 3 है जिसे मैं पार्ट 2 के आगे से कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके, सो आज की वीडियो में हमें देखना है चेंजिंग फॉन्ट साइज, टेक्स्ट कलर एंड बैकग्राउंड। फॉन्ट इज डिफाइंड एज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। मीन्स फॉन्ट का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को किस स्टाइल में लिखा जा रहा है, इसे कहेंगे फॉन्ट। HTML provides an option to change the font color, size and style. Means HTML option provide करता है जिसके द्वारा आप font की size, color और उसकी style को change कर सकते हैं। Using these tags we can present the text in a beautiful manner. और इन tags का use करके हम टेक्स्ट को ब्यूटीफुल मैनर में प्रेजेंट कर सकते हैं। सी फॉन्ट फेस, टू चेंज द टाइप फेस और नेम ऑफ द फॉन्ट एलिमेंट इज यूज्ड। मींस फॉन्ट फेस एलिमेंट का हम यूज करते हैं फॉन्ट का टाइप फेस चेंज करने के लिए। ओके, इसके लिए आपको फॉन्ट फेस इक्वल टू फॉन्ट का नाम आपको टाइप करना होता है। ओके, प्रेस द स्पेस बार की एंड देन टाइप द नेम ऑफ द फॉन्ट यू वॉन्ट टू यूज एंड क्लोज द कोट्स। ओके, तो आपको इस तरह से इस जो इक्वल साइन है इसके बाद आपको स्पेस प्रेस करिए और फिर डबल कोटेशन में आप जो भी फॉन्ट का नेम है उसे आप टाइप कर दीजिए। ठीक है, और फिर आपको लास्ट में फॉन्ट का क्लोजिंग टैग आपको यूज करना होगा। ओके, तो इसका भी हम प्रोग्राम करते हैं। ओके, यू कैन सी हियर, हमारे पास देखिए प्रोग्राम पहले से ही ये पड़ा हुआ है और इसी में मैं चेंज कर देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ फॉन्ट फेस का। ओके, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ में ठीक से आए इसलिए मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ फॉन्ट फेस। ओके, एंड स्पेस इक्वल टू, अब आपको यहाँ पर फॉन्ट का नेम टाइप करना है। ठीक है, तो अगर आपको फॉन्ट का नेम लर्न नहीं है, आपको याद नहीं है कि कौन सा फॉन्ट का नेम क्या है, तो यहाँ फॉन्ट में जाइए। ठीक है, यहाँ फॉर्मेट फॉन्ट में जाइए और यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं, तो हमें चेंज यहाँ पर नहीं करना है बल्कि यहाँ से हमें केवल नेम को पिकअप करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। ओके, चलिए मैं इसे ले लेता हूँ, तो इसके नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए और फिर यहाँ पर डबल कोटेशन को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया फॉन्ट फेस। और पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लास्ट में इसे बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर फिर फॉन्ट को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, तो यह जो फॉन्ट है केवल इस टेक्स्ट पर ही अप्लाई होगा। ठीक है, मीन्स इसके क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में जो टेक्स्ट लिखा है केवल उसी पर अप्लाई होगा। ओके, और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। ओके, मैंने सेव कर दिया है और अब मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ। देखिए मैंने ब्राउज़र ओपन किया है और इसमें ओपन एंड ब्राउज द डेस्कटॉप एंड डेस्कटॉप में देखिए मेरी फाइल है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ओके, देखिए मैंने ओपन किया एंड यू कैन सी हियर। ओके, देखिए ये चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए इन सबसे बिल्कुल अलग आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स फॉन्ट फेस जो हमारा एट्रीब्यूट है वो वर्क कर रहा है। ओके ओके, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट इज द फॉन्ट साइज। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, बस सिंपल इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ओके, इसको तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। देखिए साइज यूज़ करना है, साइज इक्वल टू मैं 15 सेट कर देता हूँ। ठीक है,
इसे भी आप डबल कोटेशन में कर दीजिए, ठीक है। और इसे मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं ब्राउज़र पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए साइज चेंज हो गई, ओके। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टैग, नेक्स्ट वन इज द, ओके यहाँ पे दिखाया गया, आप देख लीजिएगा किस तरह से किया गया है, ठीक है। बस आपको साइज चेंज करना था, मैंने कर दिया। फॉन्ट फेस भी आप देख चुके हैं। अब देखिए फॉन्ट कलर, ओके। तो कलर काफ़ी सिंपल है, देखिए या तो आप कलर का नेम टाइप कर सकते हैं या तो कलर का कोड टाइप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं दोनों का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं यूज़ करता हूँ नेम, ठीक है। तो इसी टैग में थोड़ा सा चेंज करना है। फॉन्ट फेस हो गया कलर, ओके। कलर इक्वल टू, तो आप यहाँ पर रेड टाइप कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और इसे मैं अब सेव करता हूँ और फिर से मैं ब्राउज़र पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए चेंज हो गया, कलर रेड हो गया, ठीक है। और अगर आप कोड यूज़ करना चाहते हैं तो इसका कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या है, हैज़ एफ एफ फोर टाइम्स ज़ीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ हैज़ एफ एफ एंड फोर टाइम्स ज़ीरो, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने ठीक टाइप किया है। हाँ ठीक टाइप किया मैंने, ठीक है। और अब मैं इसे ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए तो भी कलर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैंने रेड का ही यूज़ कर दिया इसलिए आपको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं दूसरे कलर का यूज़ करता हूँ। देखिए मैं येलो का ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें फोर टाइम्स एफ है और टू टाइम्स ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, देखिए फोर टाइम्स एफ एंड टू टाइम्स ज़ीरो, ओके। मैंने सेव किया और देखिए मैंने रिफ्रेश किया, देखिए कलर येलो हो गया, ठीक है। कलर येलो चेंज हो गया, ठीक है। जो भी आप करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं करना चाहता हूँ फ्यूसिया को, इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए एफ 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 ज़ीरो ज़ीरो फिर एफ एफ एफ, ठीक है। तो इसका कोड मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कलर चेंज हो गया, ओके इट्स वर्किंग। एंड सी, ओके। आप इन जो भी प्रोग्राम दिया है आप इसे टाइप करके चेक कर सकते हैं। बस आपको टैग कैसे यूज़ करना है या आपको लर्न करना है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट्रीब्यूट्स ऑफ द बॉडी एलिमेंट, तो बॉडी टैग में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट इज द बैकग्राउंड कलर, ओके। तो इसके लिए हमें यूज़ करना होता है बीजी कलर, ओके। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर आपको स्पेस प्रेस करिए, ठीक है। और यहाँ टाइप करिए बीजी कलर, ठीक है। आपको देखने में थोड़ी समस्या आ रही है तो थोड़ा सा मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए बीजी कलर इक्वल टू आप जो भी टाइप कर दीजिए, अगर आपको येलो करना है तो येलो, रेड करना है तो रेड, ठीक है। रेड दिखता है बहुत फास्ट, अच्छे तरीके से दिखता है, इसलिए मैं रेड चूज़ करता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ओके। देखिए यहाँ पर लाइन थी, उसका कलर भी रेड था इसलिए आपको लाइंस दिख नहीं रही हैं, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। और कलर कोड मैं यहाँ से देख लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए, ओके। मैं यूज़ करता हूँ पर्पल, ओके। पर्पल में भी ठीक नहीं आएगा, मैं यूज़ करता हूँ येलो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो कोड यूज़ करें या तो फिर आप डायरेक्टली उसका नेम टाइप कर दें, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया एग्जैक्टली, ओके। एंड यू कैन सी हियर, देखिए आप समझ गए किस तरह से आपको बीजी कलर यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट इज द लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन, ओके। तो इसे भी आपको बॉडी टैग के अंदर ही टाइप करना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, यहाँ पर स्पेस कर दीजिए, ओके। लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, ओके। यू कैन सी हियर व्हाट इज द सिचुएशन, करंट सिचुएशन। देखिए ये जो टेक्स्ट है बिल्कुल मार्जिन के बिल्कुल पास से आ रहे हैं तो इन्हें थोड़ा सा दूर करना है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट मार्जिन। और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, मैं टाइप करता हूँ 80, ओके।
और अब मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, मैंने सेव किया और इसे मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पर देखिए लेफ्ट मार्जिन 80 अप्लाई हो गया। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टॉप मार्जिन, तो यहाँ यूज करना होगा आपको टॉप मार्जिन, TOP MA GIN टॉप मार्जिन। तो जितना भी आप देना चाहते हैं, इसे यहाँ पे 50 अगर आप देना चाहते हैं तो आप 50 यहाँ टाइप कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टॉप मार्जिन। सेव करिए और यहाँ पर रिफ्रेश करिए, देखिए ये भी थोड़ा सा नीचे से आ गया, तो हो गया लेफ्ट मार्जिन एंड टॉप मार्जिन। ओके, तो दोनों वर्क कर रहे हैं काफ़ी अच्छे ढंग से। ओके क्लास, तो इस तरह से, इसी तरह से यदि आप चाहते हैं तो राइट मार्जिन का यूज़ करके राइट मार्जिन सेट कर सकते हैं, और बॉटम मार्जिन का यूज़ करके आप बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।